हाय गाइस, ऑटो पैशन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अपूर्व, आज हम आए हैं एमजी लखनऊ और आपको दिखाऊंगा आज मैं न्यूजन हेक्टर। चलिए गाड़ी देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हो न्यूजन एमजी हेक्टर, कितनी खूबसूरत लग रही है ब्लैक कलर में। इसमें रेड, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, सिल्वर और डुअल टोन में वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन आता है। चलिए इसका वॉकराउंड शुरू करते हैं। न्यूजन एमजी हेक्टर का आप शाइन वेरिएंट देख रहे हैं। इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन आता है और इसे मैनुअल ट्रांसमिशन में आती है। फ्रंट में आपको एमजी की बैजिंग मिल जाती है क्रोम और पियानो ब्लैक फिनिश में, डायमंड शेप्स में। इसमें मैश ग्रिल मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी एक यूनिक लुक इसको मिल जाता है। इसमें डायनेमिक आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहीं पर आपको DRLs मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आप क्रोम गार्निश देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रही है, दोनों तरफ मिलती है। नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, यहाँ पे भी क्रोम गार्निश मिल जाती है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है हैलोजन में, बॉडी कलर बम्पर मिल जाता है, ये आपकी एसेसरीज़ का पार्ट है। यहाँ पर भी आपको क्रोम लाइनिंग मिल जाती है, नीचे बम्पर में आपको यहाँ पे मैट ब्लैक की फिनिश मिल जाती है, काफ़ी रगेड लुक मिलता है। नीचे भी आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है, इसको काफ़ी स्पोर्टीनेस देती है। इस तरफ भी बिल्कुल सेम सेटअप आ जाता है। साइड की बात करें तो यहाँ पे आप जो ब्लैक क्लैडिंग देख रहे हैं गाड़ी के चारों तरफ गई है, इसको SUV करेक्टर देने के लिए। और ये जो आप आर्चेस पे क्रोम वर्क देख रहे हैं, ये एसेसरी का पार्ट है। इसमें सिल्वर अलॉय व्हील्स आ जाते हैं, अपोलो के टायर्स लगे हैं, 215/60/817 स्पेयर व्हील भी सेम साइज़ का आता है। बॉडी कलर इसमें आपको ओवरवियंस मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल है, ये भी आपकी एसेसरी का पार्ट है। फ्रंट में आपको वाइपर एंड वॉशर मिल जाता है। आपको ये जो रेन वाइज़र आप देख रहे हो, ये भी आपको एसेसरी का पार्ट मिलता है। इसमें ब्लैक्ड आउट बॉडी कलर में इसमें आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं, ये ऊपर क्रोम फिनिश आप एसेसरी का पार्ट देख रहे हैं। ये भी आपका डोर प्रोटेक्टर भी एसेसरी का पार्ट है। फुटस्टेप आप जो देख रहे हो, ये भी एसेसरी का पार्ट है, ये कंपनी के साथ ही लग के आता है, मॉरिस गैराज का। इसमें जो डोर पे क्लैडिंग लगी हुई है, चलिए फ्रंट पैसेंजर डोर पे चलते हैं। फुल ब्लैक्ड आउट दिया हुआ है और बीच में सॉफ्ट टच मटेरियल में ग्रे का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। सिल्वर में ग्रैब हैंडल दिया है, सिल्वर में लीवर दिया है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाते हैं, नीचे स्पीकर मिल जाते हैं, MG की बैजिंग मिल जाती है, 1 लीटर का बॉटल स्टोरेज मिल जाता है। इधर की सीट देख लीजिए, मैनुअली एडजस्टेबल है। आगे फ्रंट में आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल मिलता है, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल दिया है सेम जो आपको यहाँ डोर पे मिलता है, आप देख रहे हो। यहाँ पे नीचे आप देख लो, आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी डीप है, इजीली 1 लीटर का 2 बॉटल आ जाएगा इसमें। और इसमें आप देख सकते हैं फैब्रिक में सीट्स मिल जाएंगी, ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन वाइट स्टिचिंग के साथ। इसमें मैनुअल IRVM मिल जाता है। इधर का सनशेड देख लेते हैं, यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ आती है, इसके टॉप मॉडल्स में पैनोरामिक सनरूफ आती है, ये आप मैनुअल ट्रांसमिशन देख सकते हो 6 स्पीड का। चलिए सेकेंड रो में चलते हैं। इधर का भी डोर ट्रिम आप देख लो, एग्जैक्टली सेम है, काफ़ी वाइड डोर्स ओपन होते हैं और डोर्स काफ़ी बड़े हैं और हैवी हैं, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे में भी आपको सेम आपको फैब्रिक में ही सीट्स मिलती हैं, ब्लैक एंड ब्राउन में। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 3 और 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं। अभी ये साइड वाली फ्लैट है, इसको भी उधर चलेंगे तो उठा के दिखाऊँगा। इसमें आइसोफिक्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है और 3 सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं। ये आप जो देख रहे हो, ये ट्रे है, ये भी एसेसरी का पार्ट है। एक बार इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आप अपना ग्लास रख सकते हैं। ये सब MG की जेन्युइन एसेसरीज है। पीछे आपको पॉकेट मिल जाती है डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए फ्रंट की दोनों सीट्स पे। यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाता है। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार आपको दिखा दूँ क्लोजअप करके, ये लग रहा है सीट उठाना ही पड़ेगा। अब आप यहाँ देख लो, नीचे आपको छोटी सी स्पेस मिल जाती है स्टोरेज, और उसके ऊपर एक USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। आप इधर की स्पेस देख लीजिए,
ईजिली तीन लोग एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है दो कप होल्डर्स के साथ। आप इसका मैक्सिमम रिक्लाइन एंगल देख सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल है। और ये आप देख सकते हो स्ट्रेट पोजीशन पे अभी रुका हुआ है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप नी रूम देख लो एक बार, मेरे को कोई भी कमी नहीं है। 5'8" मेरी हाइट है, काफ़ी अच्छा रिक्लाइन एंगल मेरे को मिल रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन मिल रही है, काफ़ी डीप मेरे फुट चले जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। इसमें आपको तीन ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं बैक के दोनों डोर्स में और फ्रंट पैसेंजर डोर पे विद कोट हुक। बीच में आपको एक रीडिंग लैंप भी मिल जाता है। चलिए बूट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ग्लास एरिया भी इसका काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी एरी फील होती है। ऊपर आपको सिल्वर में रूफ रेल्स मिल जाती है, शार्पन एंटीना मिल जाता है बॉडी कलर में। बैक में आपको स्पॉयलर मिल जाता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, वॉशर मिल जाता है, रेयर डिफॉगर मिलता है, वाइपर मिल जाता है, MG की बैजिंग मिल जाती है। ये एसेसरी का पार्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाइसेंस नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है, रिवर्स कैमरा मिल जाता है, हेक्टर की बैजिंग मिल जाती है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये भी आपका एसेसरी का पार्ट है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं पूरे ऑल ओवर बम्पर पे, बम्पर आपको बॉडी कलर मिल जाता है ब्लैक आउट में। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, ये आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है। ये भी आपका बम्पर प्रोटेक्टर जो है बैक में, ये भी आपका एसेसरी का पार्ट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है ब्लैक आउट में, मैट ब्लैक में भी इसका कॉम्बिनेशन दिया है बॉडी कलर एंड मैट ब्लैक में। यहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। चलिए एक बार बूट खोलते हैं। आप देख सकते हो जो रेयर सीट है वो आप 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं, काफ़ी ह्यूज स्पेस निकल के आता है इसका। इसके नीचे आप देख लीजिए, आपको इस यहाँ पे टूल किट मिल जाती है, यहाँ पे आपको बूट लैंप मिल जाता है, काफ़ी नीटली फिनिश किया हुआ है। चलिए यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। इस तरफ इसका फ्यूल कैप दिया हुआ है, इस तरफ देख लीजिए डोर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इससे आप इसको फोल्ड कर सकते हो, एक बार मैं आपको टंबल करके दिखा देता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, चलिए इसको स्ट्रेट कर देते हैं। और काफ़ी अच्छी स्पेस निकल के आती है, स्पेस की कोई भी कमी नहीं है लगी मुझे इस गाड़ी में। चलिए फ्रंट ड्राइवर सीट पे चलते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। इधर का डोर ट्रिम देख लीजिए एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्स्ट्रा। यहाँ पे चारों पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, पावर विंडो का किल स्विच मिल जाता है। अंदर घुसते ही आपको यहाँ पे ORVM के एडजस्टर मिल जाते हैं, कंट्रोल्स। यहाँ पे आप हेडलाइट्स को लेवल कर सकते हैं, AC वेंट्स मिल जाते हैं, सिल्वर फिनिश इसके चारों तरफ भी दिया है, सॉफ्ट टच मटेरियल आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। नीचे आपको हुड ओपन करने के लिए, फ्यूल कैप ओपन करने के लिए लीवर मिल जाता है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, क्लच ब्रेक एंड एक्सेलेटर मिल जाता है। और लेफ्ट में आपको डेड पेडल भी मिल जाता है। क्रूज़ कंट्रोल इस गाड़ी में आता है, मैनुअली एडजस्टेबल, इसकी हाइट आप कर सकते हो। चलिए इसको मैक्सिमम रिक्लाइन पे जाते हैं। आपको इसका फेट्स मिल जाती हैं चारों डोर्स पे, ये काफ़ी अच्छी बात है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। चलिए बैठते हैं, इसकी की देख लो एक बार आप, ये इसकी की है। पीछे आपको MG का लोगो मिल जाता है और फ्रंट में आपको लॉक अनलॉक एंड डोर ओपन करने के लिए बटन मिल जाता है, दो स्मार्ट कीज मिल जाती है, कीलेस एंट्री मिलती है इसमें आपको। चलिए इसको लगा देते हैं। ये 14 इंच का आपको बीच में पोर्ट्रेट में डिस्प्ले मिल जाता है, सबसे बड़ा है किसी भी सेगमेंट में। और आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख सकते हो, एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन है। आपको लेफ्ट में RPM मीटर मिल जाता है, बीच में आपको MID मिल जाती है, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ से आप वॉइस कमांड देख सकते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं, कॉल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। MG की बैजिंग मिल जाती है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इसमें दो एयर बैग्स आते हैं, बीच में ये हॉर्न सेक्शन आपका दिया है, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के बटन दिए हुए हैं। यहाँ ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है सनशेड में। और इलेक्ट्रिक सनरूफ दी हुई है, एक बार मैं ऑपरेट करके दिखाता हूँ आपको।
पहले भी आपको बता चुका हूँ, इसके जो टॉप वेरिएंट्स हैं, टॉप टू वेरिएंट्स, उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। ये भी डिसेंट साइज़ है, कोई ख़राब नहीं है। बेस के अकॉर्डिंग आपको सनरूफ तो मिल रही है, ऐसे लिफ्ट कर सकते हैं। चलिए इसको बंद कर देते हैं, बीच में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको प्लस माइनस स्क्रीन ऑफ करने का, रियर डिफॉगर, फ्रंट डिफॉगर, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। हज़ार्ड लाइट का बटन दिया हुआ है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले इसमें मिल जाता है आपको। एक बार नेविगेशन देखते हैं कैसा आता है। स्क्रीन आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती। ऊपर यहाँ पे आपको होम का बटन मिल जाता है, नेविगेशन, कॉल, म्यूज़िक, रेडियो, सेटिंग्स, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, ऑक्स मिल जाता है एक, और दो आपको यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है ट्रांसमिशन के चारों तरफ, और यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स भी मिलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेदर रैप में इसमें इसका गियर शिफ्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, यहाँ पे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, फ्रंट में सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ, वाइट स्टिचिंग ब्लैक में दिया है, अंदर डीप स्पेस है, इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्रंट में आपको दो सीट बेल्ट दिए हैं, और इसमें फ्रंट में भी आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। चलिए गाड़ी के बाहर चलते हैं, एक बार आपको लाइट्स दिखा देता हूँ। इधर आपको लीवर, वाइपर एंड वॉशर का मिल जाता है, इस तरफ आपको लाइट्स ऑपरेट करने का मिल जाता है। ओआरवीएम पे आप लाइट देख लो, यहीं पर इंडिकेटर है, और इसी में आपको डीआरएल्स मिल जाते हैं। ये हेडलाइट देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। आप पीछे देखिए, पूरा एलईडी बैकलाइट का सेटअप मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके टॉप एंड में वेरिएंट में आपको कनेक्टेड बैकलाइट्स मिल जाती हैं। चलिए लाइट्स ऑफ कर देते हैं, एक बार आपको इंजन पे दिखाता हूँ। काफ़ी हैवी हुड है, वेल इंसुलेटेड है, आप देख सकते हो कितना नीटली सेटअप किया हुआ है। ये 2 लीटर का डीजल इंजन है, एग्जैक्टली 1956 cc का इंजन है ये। मैक्सिमम पावर 170 PS के निकालता है, और मैक्सिमम टॉर्क 350 Nm का। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ही आता है सिर्फ डीजल के सारे वेरिएंट्स में, चाहे आप टॉप लें चाहे बेस। चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। न्यू जेन MG हेक्टर की अगर डायमेंशन की बात करूं, तो इसकी लेंथ है 4699 mm की, इसकी विड्थ है 1835 mm की, इसकी हाइट है 1760 mm की, इसका व्हील बेस है 2750 mm का, और इसका फ्यूल टैंक आपको 60 लीटर्स का मिल जाता है। इसके चारों आपको टायर्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। MG हेक्टर नेक्स्ट जेन की अगर प्राइसेस की बात करूं, तो इसमें शाइन, स्मार्ट, स्मार्ट प्रो, शार्प प्रो वेरिएंट आते हैं डीजल में, और आज मैंने आपको शाइन दिखाया है, जिसका एक्स शोरूम प्राइस 18,58,800 रुपीज़ है, और ऑन रोड प्राइस 21,80,000 है। सो गाइस, आज की गाड़ी आपको कैसी लगी? न्यू जेन MG हेक्टर इस ब्लैक कलर में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इस गाड़ी में क्या आपको पसंद आया, क्या ना पसंद आया, ज़रूर बताइएगा। मुझे सबसे अच्छा लगा इसका स्पेस मैनेजमेंट, और बेस के हिसाब से भी जो मैंने आज आपको शाइन दिखाया है, ये डीजल का बेस है, इसमें भी कन्वीनियंट के सारे फीचर्स दिए हैं। सनरूफ भी आपको मिल जाता है, अच्छा खासा टच स्क्रीन आपको वैसे ही मिलता है जैसे टॉप एंड में मिलता है। कुछ फीचर्स जो लग्जरी फीचर्स हैं कुछ मिसिंग हो सकते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा आपको वैल्यू देता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका अगर 18.5 लाख रुपये से लेके 22.5 लाख रुपए या 22 लाख रुपए तक का बजट होता, तो क्या आप MG हेक्टर को प्रेफर करते, या इसके अलावा कोई और गाड़ी? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, बहुत ज़रूरी हैं आपके कमेंट्स मुझे बूस्टअप करने के लिए। और जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियो, ताकि मैं और भी अच्छा आपके लिए कंटेंट लाता रहूं और आपको एंटरटेन करता रहूं। और आज के वीडियो के लिए स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं मैं MG लखनऊ को, जिनका शोरूम फैज़ाबाद रोड लखनऊ पे है। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस डाल दूंगा, तो डेफिनेटली आप कॉल करके शोरूम ज़रूर विज़िट करिएगा, ताकि आने के बाद यहाँ आपका टाइम वेस्ट ना हो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गाड़ी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।